Jain students, so today we're going to start with the fourth chapter, that is The Rat Trap, written by Selma Lagerlöf, who was a Swedish writer and whose stories have been translated into many languages. जिन्होंने क्या है बहुत सारी stories लिखी हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में, जो कि बाद में क्या है बाकी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई थी. A universal theme runs through all of them, that is a belief that the essential goodness in human being can awaken through understanding and love. जो उनकी जो stories हैं उनमें एक theme है जो हर story में आप देखेंगे, वो theme क्या है कि अगर एक लाइक इफ देयर इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड लव दैट कैन हेल्प अ पर्सन टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. अगर हम सिर्फ एक इंसान को अगर अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग एंड लव से हो सकता है पॉसिबल. ओके, द स्टोरी इज सेट एडमिस्ट इन द माइंड्स ऑफ स्वीडन, रिच इन आयरन ओर विच फिगर लार्ज इन हिस्ट्री एंड लेजेंड्स of that country, and the story is told somewhat in the manner of fairy tale. Okay, यहाँ पर जो story है ये iron mills, iron mines के वहाँ पर उसके बीच में सारी stories है. एंड उसने ये कहा है कि ये जो स्टोरी है एक फेरी टेल के फॉर्म में सुनाई गई है. फेरी टेल क्या होता है, उसमें क्या होता है कि कोई मैजिकल पार या फिर कोई बहुत अच्छा इंसान आता है जो आपको हेल्प करता है और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है. तो इस तरीके से स्टोरी को भी सुनाया गया है. लेट्स स्टार्ट. ओके, Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार की बात है, एक इंसान था जो कि क्या है rat traps बेचा करता था जो उसने wire से बना रखे थे. He made them himself at the odd moments. उसने वो जो rat traps है खुद बनाए थे in his difficult time from the material he got by begging in the store और एट द बिग फॉर्म्स. और जो ये उसने जो मटीरियल था जो वायर थी जिससे वो बनाता था वो भी वो क्या है मांग के लेकर आता था कहीं से अरेंज हो जाए उसके पास फ्रॉम बिग फॉर्म्स और स्टोर्स. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट एक्सेप्शनली प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरीज टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. अब क्या था कि वो जो उसका रैट ट्रैप का जो बिजनेस था वो काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा था, जिसके लिए उसने क्या है क्या किया, कुछ वो थोड़ी बहुत बेगिंग भी मांग लेता था और साथ में छोटी मोटी चोरियाँ भी कर लेता था. टू कीप सोल एंड लाइक बॉडी एंड सोल टुगेदर, दैट मीन्स फॉर हिज सर्वाइवल ही हैड टू डू दिस. ओके, इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर संकन एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज. इसका मतलब क्या है, उसकी अपीयरेंस के बारे में बात की गई है. उसके जो क्लोथ है बहुत ख़राब थे, फटे हुए थे. हिज चीक्स वर संकन, उसके जो गाल है बिल्कुल धसे हुए थे. एंड हंगर ग्लीम्ड हिज आईज इन हिज आईज, उसकी आंखों में भूख दिखाई दे रही थी. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड. अब यहाँ पर वैगाबॉन्ड होते हैं जो इधर से उधर फिरते रहते हैं, उनकी जो लाइफ होती है कितनी सैड होती है और कितनी मोनोटोनस, मतलब बोरिंग. जो एक ही चीज़ आप रोज़ रोज़ कर रहे हो तो वो बहुत बोरिंग होती है उनकी लाइफ. हु प्लॉड्स अलॉन्ग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन. प्लॉड मतलब हैवीली वॉकिंग, बिल्कुल भारी भारी कदम चल रहे हैं और अपनी ही मेडिटेशन, अपने ही थाट्स में क्या है गुम है. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन द लाइन ऑफ थॉट. एक दिन क्या हुआ कि ये जो आदमी है इसके दिमाग में एक ख्याल आया विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और उसके लिए वो जो थॉट था बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था. वो थॉट क्या था, ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स. वो अपने जो रैट ट्रैप्स हैं उनके बारे में सोच रहा था. व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल, और तभी एकदम से उसके दिमाग में एक आइडिया आया. क्या आया कि जो सारी दुनिया है, द वर्ल्ड अबाउट हिम, द वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वर नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. ये जो सारी दुनिया है जिसमें क्या है इतना ज़मीन है, सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, ये और कुछ नहीं है, बस एक रैट ट्रैप है. अब रैट ट्रैप का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता होगा चूहेदानी होती है, हम जिससे चूहे पकड़ते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वी सेट अ बेट, एक चीज़ का टुकड़ा या फिर कुछ खाने की चीज़ हम सेट कर देते हैं ताकि जैसे चूहा उसे देखेगा तो वो उसकी तरफ बढ़ेगा और जैसे वो उसके अंदर जाएगा और वो क्या है बंद हो जाएगा. फाइनली है वी विल कैच दैट रैट. अब यहाँ पर जो क्या कर रहा है वो उसको क्या है कंपेयर कर रहा है रैट ट्रैप को. उसने क्या कहा है कि ये जो दुनिया है, ये विलेजेस, सिटीज, ये जो जितना भी ये हमारे आसपास है, ये और कुछ नहीं है, रैट ट्रैप है. अब कैसे है रैट ट्रैप, यू विल सी.
इट हैड नेवर एग्जिस्ट फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट अप बेड्स फॉर पीपल. ये जो जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती हैं ताकि वो हम लोगों के लिए बेड सेट कर सके. बेड यू अंडरस्टैंड कि लालच का टुकड़ा. इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज. ये हमें क्या करती है, ऑफर्ड करती है रिचेज, जॉयज, शेल्टर, फूड, हीट एंड क्लोदिंग, एग्जैक्टली एज रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क. पॉर्क इज मीट का जो टुकड़ा होता है. अब उसने क्या कहा है कि ये भी चीज़ें हमें क्या क्या ऑफर करती हैं, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, हमारे जो लाइक हमें जो लग्जरियस लाइफ चाहिए है, तो ये हमारे लिए बेट सेट करती है और उसमें हम फंस जाते हैं जैसे कि एक रैट ट्रैप करता है. एंड एज सून एज एनी वन लेट हिमसेल्फ टू बी टेम्प्टेड टू टच द बेट इट क्लोज. और जैसे ही कोई क्या है टेम्प्ट होता है उस बेट को to have that bait, it closed and on and then everything came to an end. और जैसे ही उसके तरफ जाता है वो बंद हो जाती है और फिर सब क्या है ख़त्म हो जाता है. The world had of course never been very kind to him. जो दुनिया थी जिसमें वो इतने सालों से रह रहा था वो इतना kind उसके लिए कभी नहीं था. And so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. इसलिए वो क्या उसको unusual joy दे रहा था, खुशी दे रहा था एक तरफ की इस तरीके से सोचने पर, जब वो दुनिया के बारे में सोच रहा था कि ये जो सारी जो दुनिया है ये क्या है, एक rat trap है जिसमें बाकी लोग भी फंसे हुए हैं. It become a cherished pastime of his during many dreary ploddings. अब उसने क्या कहा है कि ये उसके लिए cherish मतलब he enjoy thinking that way. जब भी वो क्या है बिल्कुल हैवीली वॉक कर रहा था एंड यू नो, तो ये जो चीज़ थी उसको हमेशा क्या करती थी, हेल्प करती थी ताकि वो उसको एक तरह से इंजॉय कर सके उस मोमेंट को. To think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of other who were will सर्कलिंग अराउंड द बेट्स. ये सोचना कि कुछ लोग जिन्हें वो जानता है कि वो क्या है उस डेंजरस स्नेयर, स्नेयर मतलब एक जाल होता है जिसमें हम बर्ड्स या मैमल्स को फंसाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर जो फंस गए हैं उसके अंदर और जो कि अभी भी क्या है बेट के अराउंड घूम रहे हैं, तो ये सोचकर वो क्या है बहुत ज़्यादा खुश होता था उन लोगों के बारे में इमेजिन करके. वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज स्ट्रगलिंग अलॉन्ग द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड. अब इसका मतलब भी वही है कि हैवीली वॉकिंग, तो जब जा रहा था तो उसने क्या है एक ग्रे कॉटेज उसे दिखाई देता है रोड साइड पर. एंड ही नॉकड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट. और वो वहाँ पर क्या है नॉक करता है कि एक दिन एक रात के लिए अगर वो वहाँ पर ठहर सकता है. नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड और उसे मना भी नहीं किया गया. इंस्टेड ऑफ द सोर फेसिस विच ऑर्डिनरली was met him, the owner was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Usually क्या होता था उसे हमेशा अजीब अजीब से मुँह बना देते थे लोग, हमेशा उससे रूडली बात करते थे, मगर दिस टाइम ही वॉज नॉट रिफ्यूज्ड. इन फैक्ट ही वॉज वेलकम्ड बाय द ऑनर ऑफ द हाउस, जो कि क्या था एक ओल्ड मैन था और जिसकी वाइफ और बच्चे नहीं थे, तो वो बहुत खुश हुआ कि फाइनली क्या है उसको आज कोई रात को बात करने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यूजुअली वो अकेला रहता था. एंड इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर. पॉरेज मतलब दलिया या खिचड़ी आप कह सकते हैं, उसने वो रखा और उसको क्या है सपर डिनर करवाया. एंड देन ही क्रेव्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तंबाकू रोल एंड ही tobacco roll and it was enough both for the stranger's pipe and his own. उसके बाद he made a tobacco roll जो कि वो और उसका जो stranger जो उसके घर पर आया हुआ है वो enjoy कर सके. Finally he got out an old pack of cards and played majolies with his guest until bed time. उसके बाद वो finally cards भी लेकर आया और उन दोनों ने क्या है काफ़ी time तक cards खेले जब तक वो सोए नहीं. So the old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. वो जो बहुत ही ज़्यादा generous था और बहुत ही ज़्यादा मतलब he was not treating him like a guest, बल्कि वो क्या हर चीज़ उसे share कर रहा था. In fact जैसे उसने अपना dinner और tobacco share किया वैसे उसके साथ उसने बहुत सारी चीज़ें भी share की. The guest was informed at once in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramjo
Okay, the old man was just as generous with his confidences as with the porridge and tobacco. जिसने जिस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा generous था, जिस तरीके से वो अपने उसने tobacco और अपना porridge share किया उसके साथ, उसी तरीके से the guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramses through iron work and had worked on the land. उसके बाद वो कह रहे हैं कि उसके भी वो अपने बता रहे हैं, अपनी पुरानी चीज़ें शेयर कर रहे हैं कि जब वो बहुत अमीर था एंड ही हैड लाइक गुड वेल्थ, और वो तब किसी आयरन उसमें आयरन मील में काम किया करता था. एंड नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू दैट डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम. अब क्या था कि वो बहुत बूढ़ा हो गया था तो आयरन मिल में काम नहीं कर सकता था, इसलिए अब जो है उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, उसने एक काउ रखी हुई है जो कि क्या है उसको हेल्प करती है अर्न करने के लिए. येस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे. द लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 crore इन द पेमेंट. उसके बाद कह रहा है ये बॉसी एक उसकी गाय के बारे में स्पेशलिटी है कि वो बॉसी जो काओ है वो उसे इतना अच्छा दूध देती है कि जिससे कि क्या है रोज़ क्या है उसे उसमें से वो क्रीमरी निकलती है जिसे वो बेच के क्या है पैसे कमाता है. और लास्ट जो था मंथ उसमें उसने क्या है 30 crore. क्रोनोर्स इज द स्वीडिश करेंसी. ओके दैट यू हैव टू रिमेम्बर. सो 30 crore उसे लास्ट महीने में मिले थे. नाउ द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीन इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच विद हंग ऑन द नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम. अब जब वो स्ट्रेंजर था बहुत अजीब तरीके से देख रहा था कि मतलब ही इज़ नॉट बिलीविंग द फैक्ट जो कि वो शेयर कर रहा था उसके साथ. तो उसको बिलीव उसको विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया, वो वहाँ पर गया विंडो के पास जहाँ पर एक पाउच टंगा हुआ था, और उसकी उसमें क्या था उसने क्या किया, ही पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 crore bills. उसके बाद वहाँ से उसने वो 10 crore जो रिंकल जो नोट थे वो निकाले. एंड दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट नोडिंग नोइंगली. और उसके बाद उसने अपने गेस्ट के सामने वो दिखाए, कहा कि सी दिस मैं तुम्हें जो बता रहा था दैट इज़ ट्रू. एंड देन स्टफ्ड देम बैक, मतलब उसने वापस वो पैसे जो है उस पाउच में वापस रख दिए. द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन एंड द क्रॉफ्टर वॉज इन द हरी टू मिल्क हिज काउ एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट दैट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप. अब जो काफ़ी अच्छा मौसम था, दोनों जो ऑनर था वो उठ चुका था, तो उसने जो है जो रैट सेलर है उसने सोचा कि जब ये जो ऑनर ही उठ चुका है तो उसे नहीं सोना चाहिए. एंड ही ऑल्सो गॉट अप. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम एंड द क्राफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द कीज इन हिज पॉकेट. उसने कहा है वो दोनों जब साथ में निकले तो उसने लॉक लगाकर चाबियां अपने पास रख ली. द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे. उसने फाइनली उसे थैंक यू कहा फॉर दैट नाइट एंड द गुड सफर एंड द गुड ट्रीटमेंट, और फाइनली क्या है अपने अपने रास्ते पर दोनों चल पड़े. बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. और उसके बाद आधे घंटे बाद वो फिर उसी दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था. ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, हाउ एवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो. उसने क्या दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश नहीं की, उसने सिर्फ वो विंडो पे गया, स्मैश्ड अ पेन एंड स्टक हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑन द पाउच विद द 30 crore. और फाइनली क्या हुआ, उसने जो विंडो को स्मैश किया एकदम से, उसको धक्का मार के खोला और अपना हाथ बढ़ाया उस पाउच को लेने के लिए जिसमें 30 crore रखे हुए थे. ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इन टू हिज ओन पॉकेट एंड देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे. उसके बाद जब उसने पैसे लिए उसके बाद उस पाउच को बहुत ही अच्छे से उसको वापस उसकी जगह पर रख दिया और वहाँ से चला गया. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness and he realized, of course, that at first he dare not continue on the public highway. अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि उसने क्या बहुत स्मार्टली ये जो चोरी कर ली है और फाइनली उसके आज कुछ अच्छे दिन बीतेंगे अब. बट एकदम से उसके दिमाग में आया कि उसको जो पब्लिक हाईवे जो मेन रोड है वहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से उसको ढूंढा जाएगा तो वो पकड़ा भी जा सकता है. सो बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इन टू द वुड्स. वुड्स का मतलब फॉरेस्ट होता है, कि उसको फॉरेस्ट के रास्ते जाना चाहिए.
Now, during the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day, it becomes worse, for it was big and confusing forest which he had gotten into. अब कुछ पहले जो घंटे थे उसमें से कोई परेशानी नहीं हुई, बट उसके बाद क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले. अब जो सिचुएशन थी बहुत ही ख़राब होती जा रही थी उसके लिए. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. उसने क्या सोचा कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा जहाँ से वो बाहर निकल जाएगा, मगर वो फिर से वहीं से कुछ ना कुछ ट्विस्ट आ जाता था एंड बैक एंड फोर्थ वापस इधर से उधर घूम रहा था वो. He walked and walked without coming to end of the wood and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. अब क्या था, वो काफ़ी टाइम से चले जा रहा था. उसके बाद उसने रियलाइज़ किया कि वो उस जंगल के एक ही पार्ट में घूम रहा है. ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप. और एक एक बारी में वो थॉट जो जो वो दूसरे लोगों के लिए सोच रहा था, जो रैट ट्रैप वो इमेजिन कर रहा था, अब वो उसके दिमाग में आया. नाउ His own turn had come. अब फाइनली उसकी भी बारी आ चुकी है उस रैट ट्रैप में फंसने की. He had let himself be fooled by a bait. ओके, उसने क्या है अपने आप को भी बेवकूफ़ बना दिया. वो जो बेट जो 30 करोड़ से वो उसको बेट की तरह दिखाई दे रहे थे और उसने चूहे की तरह उनको जाके ले लिया. एंड फाइनली ही कॉट अप इन द रैट. ही नाउ इमेजिनिंग हिमसेल्फ इन दिस वे. एंड इट्स ट्रू ऑफ कोर्स. So now the whole forest with its trunk and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. और जो वो पूरा जंगल है उसकी जो घनी पेड़ हैं, लॉग्स जो गिरे हुए लॉग्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो उसको एक प्रिजन की तरह दिखाई दे रहे थे जिससे वो शायद बाहर ना आ पाए, जिससे बाहर आना उसके लिए क्या था, मुश्किल था. नाउ इट वॉज लेट इन डिसम्बर. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. डिसम्बर का टाइम था तो अंधेरा वैसे भी थोड़ा जल्दी हो गया था. एंड दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिसअपियर. जो उसके लिए ऑब्वियसली ही इज इन फॉरेस्ट, तो डेंजर तो था ही, प्लस ही वॉज ऑल्सो वेरी मच अपसेट, बहुत ज़्यादा सैड भी था. Finally he saw no way out and he sank down on the ground. उसके बाद उसे और कोई रास्ता नज़र नहीं आया. Finally क्या है, वो ग्राउंड पर बैठ गया. Tried to that thinking that his last moment had come. उसने क्या सोचा कि अब शायद ही इज़ अबाउट टू डाई और क्या है उसके जो लास्ट मोमेंट्स हैं वो आ चुके हैं. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग. और जैसे ही उसने अपना सर ज़मीन पर रखा उसने एक हार्ड थम्पिंग, पीटने की, लोहा पीटने की आवाज़ उसे सुनाई दी अपने कान में. देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज. अब ये तो डाउट था ही नहीं कि वो क्या होगा. ऑब्वियसली देयर विल बी सम आयरन मील. सो ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. अब उसने क्या है, फाइनली जो स्ट्रेंथ है वो अपने आप में जो थी उसको बटोरा एंड वो उस डायरेक्शन की तरफ बस चल पड़ा जहाँ से उसको वो आवाज़ आ रही थी.